नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज पेडागॉजी के कुछ आंसर, और उन क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करने के साथ साथ हम पेपर का पीडीएफ भी ड्राइव पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक आपके पास रहेगा और पेपर भी डाउनलोड कर लेंगे तो वहां आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और उसका डिस्कशन और सोल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेंगे बच्चों, आपको पता है दो लैंग्वेज आप सेंट्रल टीटी में सेलेक्ट करते हैं और उनमें से उन दोनों लैंग्वेजेज में 30-30 सवाल होते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पैडागॉजी के और कुछ अनसीन पैसेज पर बेस्ड होते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना। व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना। पहला ऑप्शन है आंशिक रूप से उचित है, दूसरा है पूर्णतः उचित है, तीसरा पूर्णतः असंभव है, और चौथा बिल्कुल अनुचित है। यहाँ जो सही ऑप्शन है पूर्णतः उचित है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे लैंग्वेज पेडागॉजी के कॉन्सेप्ट को नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के पेज नंबर 46 पर, तो आपको क्लियर होगा। बाकी चामास्की ने बताया है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज के लिए LAD यानी लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस होती है, अगर उनको भाषा का इक्विजिशन यानी अर्जन सही तरीके से हो रहा है तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से व्याकरण का जनरेशन या जनरेटिव ग्रामर के की कैपेसिटी उनके अंदर स्वतः बिल्डअप हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है दूसरा पूर्णतः उचित है, क्योंकि व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के द्वारा ही आंकना चाहिए या जांचना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा है परिचर्चा, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब ओरल तरीके से उनके अंदर जो क्षमताएं हैं या कह सकते हो जो अपनी बात कहते हैं उनको एक्सप्रेस करने, मौखिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करने, एक्सप्रेस करने, बताने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रत्येक बच्चों को शामिल किया जाता है वो चाहे जैसा बालक हो, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है शिक्षण प्रक्रिया, दूसरा है अभ्यास कार्य, तीसरा आकलन, चौथा है पाठ्य पुस्तक। तो सही ऑप्शन होगा शिक्षण प्रक्रिया, क्योंकि समावेशी प्रक्रिया जब आप टीचिंग ऐसी बनाएंगे, टीचिंग मेथड या टीचिंग प्रोसीजर आपके ऐसे होंगे जहां फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होगा यानी लचीली पाठचर्या होगी, जहां पर डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन होगा, जहां प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं और रुचियों को महत्व दिया जा रहा होगा, जहां प्रत्येक बच्चे के को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा रहा होगा। तो ये शिक्षण प्रक्रिया को अगर हम सही कर लें, टीचिंग प्रोसेस को हम सही कर लें, तो हम वहां इन्वायरमेंट इंक्लूसिव बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। यहाँ ध्यान रखना होता है, कई बार पूछा जाता है कि क्या सही नहीं है, और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आता है, नहीं पूछा गया है, और आप तेजी से टिक कर देते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। पहला है सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, दूसरा स्वाध्ययनशीलता या स्वाध्यायशीलता का विकास, तीसरा भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, और चौथा चिंतनशीलता का विकास। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ नहीं पूछा गया था, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, ये हमारी भाषा शिक्षण के लिए सही नहीं है या अपेक्षित नहीं। एज इट इज वो कॉपी करना या नकल करना है, और नकल करके सीखना नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया खोज
पर आधारित होती है, जिससे क्या होता है बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। अब सीधा स्टेटमेंट है, और अगर आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट का हमारा वीडियो देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। भाषा सीखने की सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध डैश डैश से है। पहला ऑप्शन चौमास्की, दूसरा स्किनर, तीसरा वायगोस्की और चौथा पियाजे। आपको पता है भाषा के ऊपर पियाजे, वायगोस्की, स्किनर और चौमास्की के चारों ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने भाषा पर अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। चौमास्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा की क्षमता पाई जाती है और इसका कारण है कि उसके अंदर लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस होती है। दूसरे स्किनर है, स्किनर ने कहा था रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन भाषा विकास के लिए जरूरी है। वायगोस्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास होता है, इसलिए उन्होंने तीन फैक्टर लिए थे जिसमें समाज की बात की थी, भाषा की बात की थी और खेल की बात की थी। तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखने की जो बात करते हैं वो वायगोस्की कहते हैं। पियाजे इगोसेंट्रिक अप्रोच को डिफाइन करते कहते थिंकिंग पहले आती है और लैंग्वेज बाद में आती, जिसकी आलोचना हुई थी। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आपका उसका सही ऑप्शन तीसरा यानी वायगोस्की सही ऑप्शन है। क्वेश्चन अगला जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप पेज नंबर 91 पर एनसीएफ के जाएंगे तो एज इट इज लाइन लिखी मिलेगी पहले पैराग्राफ में। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया है कि 4 फीट तक दीवारों को रंगीन कर दिया जाता है या काले पेंट से पोत दिया जाता है, कमरे के एक कोने को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है जहां कुछ किताबें रखी रहती हैं। कुछ बच्चे कक्षा में जब कार्य अपना जल्दी समाप्त कर लेते हैं तो उनको उस कोने में जाने की आजादी होती है और वो अपनी पसंद से कुछ पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन है सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। हमें तुलना किसी से किसी की नहीं करनी है, सारे बच्चे यूनिक है, सबके अंदर सीखने की क्षमता पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे। मॉनिटर सिस्टम बहुत खराब है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में आया था, बच्चे को अपना कार्य करने देना चाहिए, उसको दूसरे बच्चों की जांच के लिए नहीं लगाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो उसको पसंद है वो अपना कार्य कर सकती है। और चौथा ऑप्शन है रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन था। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जाएंगे 91 नंबर पेज पर तो आपको लिखा मिलेगा, हम आपको पढ़ दे रहे हैं, हमारे पास एनसीएफ है उससे वो लाइन पढ़ दे रहे हैं तो क्वेश्चन और आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कमरे का एक कोना पढ़ने की सामग्री, कहानियों की किताबें, पहेली कार्ड व अन्य स्वयं सामग्री को रखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जब कुछ बच्चे अपना पाठ जल्दी खत्म कर लेते हैं तो उन्हें इस कोने में जाने और एवं अपनी पसंद की सामग्री चुनने की छूट होनी चाहिए। एज इट इज क्वेश्चन आया है, थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, दूसरा ऑप्शन है बच्चे द्वारा किया जाने वाला सुलेख, तीसरा है शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा और चौथा ऑप्शन है भाषा संबंधी गृह कार्य। तो यहाँ सही ऑप्शन है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, क्योंकि टीचर को अगर भाषा का लैंग्वेज पेडागोजी का ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को भाषाएं याद करवाएगा, रटवाएगा, स्वाभाविक वातावरण विकसित नहीं कर पाएगा। अगला सवाल है तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन राइट था। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला है बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, दूसरा है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना,
तीसरा ऑप्शन है बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाना। तो यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा गया सही ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है तो चौथा ऑप्शन सही होता कि बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाना। नियम सिखाए नहीं जाते हैं, चामास्की कहते हैं भाषा, बच्चे जिस भाषा व्यवस्था में रहते हैं उसका व्याकरण खुद जनरेट कर लेते हैं। तो हमें किसी को व्याकरण रटाने की जरूरत नहीं है, बच्चे स्वाभाविक तरीके से जनरेट करते हैं जिस भाषा व्यवस्था में रहते हैं उसका व्याकरण। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपर महत्वपूर्ण सामग्री है। पहला ऑप्शन है पाठ पुस्तक, दूसरा अभ्यास पत्रक, तीसरा अभ्यास पुस्तिका और चौथा है बाल साहित्य। सही ऑप्शन है बाल साहित्य, जो रुचिकर होता है। आप पढ़ेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को तो लिखा गया है भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण, यानी इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट जरूरी है, चाहे वो भाषा पहली सिखाई जा रही हो चाहे दूसरी सिखाई जा रही हो, निवेश समृद्ध संप्रेषण का होना जरूरी है। निवेश समृद्ध संप्रेषण में सब कुछ आता है, पत्र पत्रिकाएं आती है, मैगजीन आती है, ऑडियो वीडियो और विभिन्न भाषा के कंटेंट आते हैं, स्तंभ आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं। तो ये जब वहां पर रखा होगा और उन तक बच्चों की स्वाभाविक पहुंच होगी तो बच्चे भाषा जल्दी से सीखेंगे। तो यहाँ सही है बाल साहित्य, बाल साहित्य रुचिकर होता है, उसमें कहानियां होती हैं, उसमें यात्रा वृत्तांत होते हैं, संस्मरण होते हैं जिनके द्वारा बच्चे सीखते हैं और अपनी तार्किकता का विकास करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, पेज नंबर 41 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, करते नहीं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तीसरा स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। अब देखिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन कितना पास आ गया, यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है, स्वाभाविक एवं प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। अगला ऑप्शन है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, ये भी सही ऑप्शन नहीं है, स्वाभाविक एवं प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। एनसीएफ के चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 41 पर जाएंगे तो लाइन आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने की कठिनाई महसूस करते हैं वे, पहला ऑप्शन मंदबुद्धि होते हैं, दूसरा डिसग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, तीसरा डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, चौथा सीखने में अक्षम होते हैं। तो आपको ध्यान रहे बच्चे किसी क्षति अक्षमता या दिव्यांगता के कारण कई क्षेत्रों में सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसा नहीं कि सीख ही नहीं पाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हैं। अब पढ़ने की में कठिनाई बच्चा महसूस कर रहा है तो यहाँ डिसलेक्सिया होगा, लिखने होता तो डिसग्राफिया हो जाता, मैथ से संबंधी तो डिसकैलकुलिया हो जाता। तो यहाँ पर पढ़ने से संबंधित समस्या है, इसलिए सही है ऑप्शन थर्ड, डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। अगला सवाल है उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषा एवं भाषाएं, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है पेज नंबर हिंदी वाले एडिशन में 42 पर, यानी 42 नंबर पेज का चैप्टर नंबर 30 का क्वेश्चन पहली लाइन से पूछा गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषा या भाषाएं, पहला ऑप्शन है एक कठिनाई समस्या है, दूसरा एक संसाधन है, तीसरा एक पहेली है, चौथा एक जटिल चुनौती है। तो बहुभाषिक कक्षा रिसोर्स है, संसाधन है, पेज नंबर 42 की पहली लाइन है, दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे तो बहुभाषिक कक्षा एक संसाधन के तौर पर शिक्षक प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, पहला है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा की से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, दूसरा हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा है हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, और चौथा है गुण अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे बच्चे के अंदर भाषा की बारीकियां क्लियर होंगी, वो कॉन्सेप्ट जानेगा। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो पहला ऑप्शन है बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, तीसरा है तीव्र गति से पढ़ जाना,
चौथा लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, और चौथा ऑप्शन है किसी लिखित सामग्री का नीतार्थ समझना। चौथा ऑप्शन राइट है क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। चौथा ऑप्शन राइट है किसी लिखित सामग्री, आप पढ़ोगे एनसीएफ में चैप्टर नंबर 3 में 46-47 नंबर पेज पर जाएंगे तो एक टेबल मिलेगी बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते और पठन शुरू करने के कारगर उपागम, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लास्ट सवाल है इस डिस्कशन का, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य प्रक पक्ष पर बल देने का आशय है। तो पहला ऑप्शन है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, दूसरा भाषा प्रयोग पर बल देना, तीसरा भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, और चौथा भाषा के कार्यों की सूची बनाना। सही ऑप्शन है भाषा प्रयोग पर बल देना। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे की भाषा की क्षमता का आकलन प्रकार्य पूर्ण यानी एक्टिविटी बेस्ड है, तो अगर हम वो विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बच्चा कर लेता है तो वो आसानी से उसके अंदर जो क्षमता भाषा की है उसका आकलन किया जा सकता है। जब विभिन्न क्षेत्रों में, देखिए जब भाषा की बारीकियां पता होंगी, भाषा के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। तो बच्चों आपको लैंग्वेज पैडागॉजी के सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दो भाषाएं होती हैं और एक भाषा में 15-20 सवाल पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन अनसीन पैसेज पर होते हैं और 20 क्वेश्चन लगभग क्या होते हैं पैडागॉजी के होते हैं। तो दो भाषाएं अगर हम 15-15 रख लें तो 30 क्वेश्चन पैडागॉजी के होते हैं और बहुत आसान है ये लैंग्वेज पैडागॉजी। पेज नंबर 41 से पेज नंबर 47 तक है, आप नेशनल कैरिकुलम के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लें तो आपको आसानी हो जाएगी। फटाफट वही लाइनें लिखी आती हैं, आप रट कर जाइए सीटेट में 30 में 30 हिंदी में, बड़ा आसान है लाना। अगर पैराग्राफ थोड़ा आप संभाल लेते हो तो हम लैंग्वेज पैडागॉजी के क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको बात बात में बता देते हैं। तो बच्चों इस पेपर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और हमने डिस्कशन कर दिया, उसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे पेपर को पीडीएफ फॉर्म में, और क्वेश्चन तो हमने डिस्कस ही कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड कर दिया करो, जो नए लोग हैं वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले उनको, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं तो वो छूट जाते हैं लोग, तो उनको अगर टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो भी ऑनलाइन आएंगे और हमसे अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जैसा आप जानते हैं कि हम विद्यार्थी वार्ता नाम से संडे को एक नया प्रोसीजर या नया एक कॉन्सेप्ट एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें आपके सवाल होते हैं और हमारे जवाब होते हैं। पूरे वीक हमें सवाल पूछते हो यूट्यूब पर, हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा या फिर मेल करके हमें पूछते हो, तो उन क्वेश्चनों के जवाब हम संडे को देते हैं विद्यार्थी वार्ता नामक एपिसोड में। तो बच्चों जुड़े रहो और आप सीखते रहो कुछ नया हमेशा। थैंक यू।